नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लॉक के प्रैक्टिस सेट 6 पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर उनको देखते रहिएगा, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ नया प्रश्न मिलेगा और जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। क्या कहा गया पहले प्रश्न में? क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी प्रत्येक एक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। 5 मिनट बढ़ जाती है। सेकंड की सुई एक मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? चलिए दोस्तों समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न आपने पढ़ लिया, प्रश्न में क्या कहा गया, सारी जानकारी आपके पास है। तो पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसको, फिर इसके बाद देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो कुछ नहीं करना होगा। देखिए, अगर हम बात करें क्लॉक के बारे में, तो अगर कोई भी सुई है, यहां से आपकी स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, तो टोटल कितना कोण बना लेती है? डेफिनेटली पूरा 360 अंश का बनता है ना। फिर इसके बाद क्या है, केवल 5 ही मिनट के बारे में तो बात किया गया, और आपको पता है कि यहाँ पे अगर 12 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो इस बीच में कितना, यही तो आपका 5 मिनट होता है। तो इस 5 मिनट में भी कितने अंश का कोण बन जाता है? तो अरे भाई, 30 अंश का कोण हमने बता रखा ना आपको, बता रखा है आपको कि 1 अंश में 6 अंश का कोण बनता है कि नहीं। 1 अंश में कितना बनता है, 1 मिनट में दोस्तों कितना बनता है? तो आपका 6 अंश का कोण बनता है। बस वही तो प्रोसेस आपको अपनाना है। 5 के बारे में बात किया तो 5 गुणे आप क्या करेंगे, 6, तो हो जाएगा कितना, 30। बस उठा के आपको जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 390। बस आपका दिया गया ऑप्शन 390 सही हो जाएगा। फिर से समझिएगा, पूरी प्रोसेस के बारे में बात करें तो 360 का बनेगा। 5 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि उसने क्या कहा, 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो 5 मिनट जो बढ़ेगी उसमें भी तो भाई कोण बनेगा ना। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 30 अंश बनेगा। तो 360 प्लस 30 मिलाकर कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जो बात कही गई है, तो सेकेंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 1 सेकेंड में या प्रत्येक सेकंड में सेकंड की सुई 1 अंश काम करती है ना। जब 1 अंश काम करती है तो हमसे करना कितना है भाई, 5 मिनट के बारे में कहा गया है। तो आपको पता है कि जब 5 मिनट के बारे में कहा गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 5/60 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 5/60 कर सकते हैं। अब टोटल प्रोसेस कितना घंटे के बारे में बोला गया, तो घंटे में कितना हो जाएगा, तो 360 होता है। छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, 5 से 30 हो जाएगा। यानी सेकंड कितना, वही 30, और कितना पूरा टोटल, मैंने कहा था पूरा 1 घंटे के बारे में भी बात किया गया है,
तो 360 प्लस आपका 30 मिलाकर कितना हो जाएगा 390। और ये भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए चाहे उस मेथड से कर लीजिए, बस इतना करना आपको, बस ध्यान रखना कितना एक्स्ट्रा काम कर रही, 5 मिनट का एक्स्ट्रा काम करेगी तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, और टोटल कितना होता है 360 होता है, तो बस उसको उठा के जोड़ देना है, 360 प्लस 30 90 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है दो घड़ियों में से एक, दो घड़ियों में से एक 5 मिनट प्रति घंटे आगे हो जाती है, 5 मिनट प्रति घंटा आगे आगे हो जाती है, फिर क्या कहा गया है, और दूसरी 7 मिनट प्रति घंटा पीछे हो जाती है, और दूसरी 7 मिनट प्रति घंटा पीछे हो जाती है, फिर क्या कहा गया प्रश्न में देखिए, तो दोनों सुइयों के बीच 5 घंटे में, तो दोनों सुइयों के बीच 5 घंटे में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 5 घंटे में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा यदि दोनों को वर्तमान में एक ही समय पर मिलाकर रखा गया है, एक ही समय पर मिलाकर रखा गया है। प्रश्न बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रश्न बड़े होने से कुछ लेना देना नहीं है, आपको पता है कि जितना बड़ा प्रश्न उतना ही छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्या कहा गया, देखिए भाई जब बात की जा रही है समान समय पे और एक घड़ी क्या कर रही है आपकी 5 मिनट पीछे हो रही है और एक 5 मिनट आगे हो रही है और एक दूसरी क्या हो रही है भाई 7 मिनट पीछे हो रही है, तो दोनों का देखें तो एक घंटे में हो क्या रहा है दोस्तों, तो एक घंटे में अंतर जो हो जा रहा है वो ऐड हो जाता है यहाँ पे, 5 प्लस 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 मिनट का, 7 5 12 मिनट का अंतर हो जाता है। तो बस हमसे पूछा क्या गया है, अरे भाई पूछा गया 5 घंटे के लिए, तो 5 घंटे में आप उठा के इसको गुणा कर दीजिए, 5 घंटे में अंतर जो हो जाएगा 12 × 5 = 12 × 5 = 60, 60 मिनट का अंतर हो जाएगा, दिया गया ऑप्शन आपका यही सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए तो प्रश्न में आधी जानकारी तो आपको वैसे भी प्रश्न से ही मिल जाती है, बाकी थोड़ा सा आप अगर उस पे फोकस करते हैं तो आप उस प्रश्न को बहुत ही जल्दी और सही तरीके से समझ पाते हैं। चलिए कहा गया एक घड़ी प्रति 24 घंटे में, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट तेज हो जाती है,
उसे 10 बजे मिलाया गया, उसे 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा? दूसरे दिन सही समय क्या होगा? ऐसा प्रश्न हम करा चुके हैं, आपने अगर प्रैक्टिस सेशन में नहीं देखा होगा तो जाकर देखिएगा, ठीक है। जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी, जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। प्रश्न को पढ़िए, लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट है, ठीक है। तो चलिए देखा जाता है प्रश्न में क्या कहा गया। मैंने आपसे कहा था कि पहले देखिएगा कि घड़ी का प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ वो क्या रहा है दोस्तों, 24 घंटे में 60 मिनट यानी 1 घंटा बढ़ जाती है, तो यानी 25 घंटे का जो ये प्रोसेस है कितने में, 24 घंटे, यानी सही घड़ी वर्कआउट करेगी 24 घंटा, तो ये खराब वाली घड़ी को काम करना पड़ेगा 25 घंटा कर रही, क्योंकि बढ़ जा रही है। अब हमने कहा था समय देख लीजिएगा कितना होता है, यानी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 घंटे में कितना बढ़ रही है, तो 24 बटे क्या हो जाता है आपका, 25 हो जाता है। अब देखिए समय की शुरुआत क्या है, 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक को हमें जाना है, तो मान लीजिए भैया आज हमने देखिएगा आज कितना है, 10 बजे मिलाया गया है, ठीक है, तो 10 AM होगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, कल के बारे में दूसरे दिन कहा गया यानी कल, तो कल 10 AM तक का कितना समय हो जाएगा, और कहानी अभी कल में रुकी नहीं है, वो कब तक है, आगे भी है, आगे कब तक की है, आगे है वो 4 बजे शाम को यानी PM तक की। तो यहाँ से यहाँ दोस्तों बात करें तो कितना घंटा बढ़ जाता है आपका, टोटल हो जाता है आपका 24 घंटे। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ जाता है, तो 2 घंटे इसमें बचे हैं, 4 घंटे आगे हो जाएंगे यानी 6 घंटे। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये ही इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नों में, ये घंटे का ही कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट रखता है। तो बस खाली वही 30 घंटा हो गया, हमें 30 घंटे के प्रोसेस को पता कर लें, सही समय पता चल जाएगा, 30 से गुणा कर दीजिए, छोटा करेंगे तो 5 25 और 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक्का 144 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, हो जाएगा 5 दुनी 10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका 4 बज जाएगा 44 5 8 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 बटे आपका 5। ये आपका क्या है, घंटे में है। तो हमने आपसे कहा था जो घंटे का समय है वो तो ठीक होता है, लेकिन जो घंटा आपका कंप्लीट नहीं होता है वो मिनट में आंसर्स वहां पे देगा, तो चलिए इसको मिनट में बनाते हैं। तो 4 बजे 5 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से काटेंगे तो 1 2 यानी इतना हो जाएगा आपका 12 चौक 48 मिनट हो जाएगा। तो यानी वो दोस्तों क्या समय होगा, 28 घंटा 48 मिनट, और वो समय पूछा गया है तो आपको समय पता चल जाएगा कैसे, देखिएगा यहीं से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 4 बजे प्रदर्शित कर रही है जो फास्ट वाली घड़ी है, तो सही घड़ी ये समय प्रदर्शित कर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए 30 घंटे के बारे में हम बात करते हैं और 28 घंटे के, 30 घंटे में 4 बज जाता तो 28 घंटे में कितना, 2 बजेगा, और इसके बाद मिनट जोड़ दीजिएगा यानी वह समय क्या होगा, 2 बजकर 28 मिनट, यानी वो समय क्या होगा दोस्तों, अगले दिन का जो होगा वो 2 बजकर 48 मिनट का समय होगा, 2 बजकर 48 मिनट का समय दिखाई होगी सही वाली घड़ी, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आप इसको करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा प्रश्न पिछले सेशन में भी आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर देखेंगे तो आपको भी याद आ रहा होगा, ऐसा प्रश्न मैं करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा गया है प्रियंका ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित रूप से प्रियंका ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों से नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकलती है। फिर क्या कहा गया है? घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुंच जाती है। बताइए सामान्य दिनों में कितने बजे घर से निकलती है? प्रश्न दोस्तों आपने देख लिया है। अब चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्नों के तरीके को आप समझते रहिएगा, क्योंकि सारे के सारे ही प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा से महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या कहा गया, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं इसको समझना है। 15 मिनट है, 10 मिनट है और 8:40। सबसे पहले हमने कहा था कि क्या करेंगे, जो समय आपको दिया होगा उससे पहले के समय पे पहुंच जाएंगे। 8:40 पे बस स्टॉप पे पहुंच गई है, इसके घर का समय निकलने का हमें यहाँ से पता चल जाएगा। वो क्या कर रही है, 10 मिनट लगते हैं उसको क्या है, बस स्टॉप पे पहुंचने पे। तो मान लीजिए बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंची है, 8:40 पर पहुंची है। तो 10 मिनट अगर आप कम करते हैं तो उसका घर से निकलने का समय पता चल जाएगा। घर से वो कितने बजे निकल रही है, तो 8:30 पर निकल रही है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, सामान्य दिनों की अपेक्षा क्या कर रही है वो, आज 15 मिनट पहले निकली है। तो पूछा है सामान्य दिनों में कितने बजे निकलती है, तो अरे भाई वही 15 मिनट, तो वही बात निकलती है वो, तो 15 मिनट उठा के छोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, 8:45। बस इतना ही है प्रश्न में, आंसर क्या हो जाएगा, 8:45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है प्रश्नों में, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमारे कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेंगे तो रीजनिंग आपकी बहुत ही उम्दा होने वाली है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लगातार सारे प्रैक्टिस सेशन को कर रहे होंगे, खुद ही आपको प्रश्नों का एहसास हो रहा होगा किस तरीके से हम सब सीख पा रहे हैं और इतने कम समय में, और जिसमें जो अच्छा मेथड हो सकता है वो सीखने का प्रयास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, सात बजकर तीस मिनट
हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो उस वक्त घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितनी या कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, क्वेश्चन बनता है कोणों का। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको कहा था जो समय दिया हो उसको आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो समय दिया है उसको कुछ इस तरीके से आपने लिखा। हमने आपको बताया था घंटे मिनट की सुई के बीच में जो अंतर हो जाता है वो कितना, 5 का हो जाता। तो बस यही 5 आपको उठा के गुणा कर देना है घंटे में, तो ये आपको यहाँ से कुछ मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा वो दोस्तों, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपको क्या कहा था, माइनस कर देना है। जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, और हमें पता है कि इसमें गुणा कितना करना है, 6 का। क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक जो आपका होता है मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो यहीं पे 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×6=30 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना और ये वाली छोटी है, तो जब ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो यहाँ पे प्लस रखते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यही वैल्यू आपकी छोटी होती है और ये बड़ी होती है तो यहाँ पे माइनस रखते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको और याद रखना है, और इसका आधा करना है और इसको जोड़ देना है। तो 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा कितना, 45 अंश, यानी इसका आंसर होगा 45 अंश। बाकी एक तरीका हमें और भी बताया है, आप इसको भी कर सकते हैं, m बराबर 2/11 हो जाएगा और इसमें t1×30 हो जाएगा प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सेम प्रोसेस आपको वही मान रख देना है, m बराबर कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। t1 कितना है, तो t1 आपका प्रथम समय होता है वो हो जाएगा आपका 7 गुणे हो जाएगा 30, और प्लस माइनस थीटा जो हमने आपको जानकारी पहले भी दी है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ के अनुसार हम लोग थीटा की वैल्यू रखते हैं, हम इसके बारे में पहले अपलोड कर चुके हैं, तो इस जानकारी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों कहा गया है, राजू की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है,
7:09 दर्शा रही है। तो बताइए राजू की घड़ी कब सही समय बताया होगा? तो बताइए राजू की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। प्रश्न देख लिया आपने, चलिए प्रश्न के सलूशन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं आप देख पा रहे होंगे। आज का समय बताया गया है और शाम को फिर 7 बजे का, यानी एक ही दिन का समय है। तो बात करते हैं घड़ी में, पहले आज 12 बजे की बात है और फिर उसी दिन की बात है शाम 7 बजे। उस समय दोस्तों क्या था, 5 मिनट पीछे थी, यानी 11:00 कितना हो रहा होगा उसमें 55 हो रहा होगा। फिर उसने नेक्स्ट समय पे पाया कि कितना हो रहा होगा, उसमें 7:09 हो रहा था। तो यानी उसकी घड़ी क्या है, फास्ट है, पहले उसने कहा कि तेज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो घंटे कितने हो जाते हैं, तो देखिएगा बहुत ही इजी प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं था, बस खाली लैंग्वेज इतनी बड़ी दी है तो देख के लग रहा है कि बड़ा टफ है, ऐसा नहीं। घंटे कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 7 घंटे। और प्रोसेस कितना है, घड़ी पहले 5 मिनट के आपके पीछे थी, फिर 9 मिनट आगे हो गई दोस्तों, तो वो बढ़ी कितना, 9+5 यानी हो गई कितना, वो 14 मिनट बढ़ जाती है, 14 मिनट बढ़ जाती है, बस प्रश्न लग गया। तो 1 मिनट बढ़ने में उसको कितना घंटा लग रहा है, बस यही जानकारी करनी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसको अगर काट देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 घंटे में वो बढ़ती कितना है, 2 मिनट बढ़ जाती है, बस प्रश्न लग गया आपका। तो यानी जो ये 5 मिनट पीछे थी, जब उसने 5 मिनट को कवर किया होगा भाई, तभी तो उसने सही समय बताया होगा, उसके बाद तो फास्ट होने लगी होगी, मेरी बात को समझ रहे ना। तो सारे वीडियो और कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। यानी भाई देखिए, 1-2 मिनट में कितना, 1 घंटा, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 घंटा, और 1 मिनट और बच गया है तो उसमें कितना हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा, आधा घंटा और हो जाएगा। यानी अब 12 बजे से तो पूछा है कि सही समय कब बताया, तो भाई 12 बजे में आप क्या करेंगे, 2.5 घंटा अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों वह समय क्या होगा, 2:30 पे उसने सही समय बताया होगा, उसके बाद वो फास्ट होना शुरू हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं या चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।